लखनऊ अलीगढ़ जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में मोर्चा खोल दिया गया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। राफेल घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए थे, जबकि इस मामले से अब पर्दा उठने के बाद सारी स्थिति क्लियर हो चुकी है। मामले को लेकर कोल तहसील विधायक अनिल पारशन ने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया है। आज स्थिति क्लियर होने के बाद राहुल गांधी के द्वारा देश में खराब किए गए माहौल को लेकर उनकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, जब लोकसभा चल रही थी राइफल मामले में राहुल गांधी द्वारा लोकसभा को बार बार बाधित किया गया, जो जनता का पैसा था वो लोकसभा में जनताओं के पैसे से चलती है, ये कहते हुए कि राइफल का मामला हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट कर दिया और पारदर्शिता दिखाई, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार के द्वारा मुखिया राहुल गांधी जी ने लोकसभा नहीं चलने दी। जब आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और राहुल गांधी जी का पूरा झूठ जनता और देश के सामने आ गया है, उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ के समस्त कार्यकर्ता प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो जो देश को स्वयं भ्रष्टाचार करती रही कांग्रेस, आज देश के आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी उजागर कर दिया है कि यह झूठ बोला था। अब राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे कि लोगों को गुमराह किया था राइफल मामले में, इतना झूठ बोला था, सफेद झूठ बोला था। इसलिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलीगढ़ में यही मांग कर रहा है कि सार्वजनिक रूप से मंच पर जाकर सारे चैनलों पर जाकर राहुल गांधी देश के लिए माफी मांगे, यही लोगों की कार्यकर्ताओं की मांग। धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 नहीं है, धारा 44 एक जब लगी होती है जब कोई उत्पात मनाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत माता के नारे लगाते हुए सब करते हुए ज्ञापन सौंपा है। साइलेंट जोन के अंदर प्रदर्शन हुआ है, साइलेंट कोई साइलेंट जोन के लिए अलीगढ़ आराम से शांति से सभ्यता के जोन, कहां से आप ले आए नया मैटर, राहुल गांधी को देश से माफी मांगे। आज ज्ञापन जो दिया गया है कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा जो राइफल मुद्दे पर जो उन्होंने लोकसभा को बाधित किया, लोकसभा नहीं चलने दी, वो सुप्रीम कोर्ट जी आदेश आने के बाद, उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद लोगों के सामने कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि वो देश से और जनता से माफ़ी मांगे और इस तरह से आगे झूठ नहीं बोले। ये मोदी की सरकार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा, ये राष्ट्रवादी सरकार है, उस पर काम।